ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आप पेटीएम से कैसे चेक कर सकते हैं जो हमारा टिकट कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो तत्काल टिकट जो है हमारा वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, यानी कि वेटिंग टिकट बुक हो जाता है। तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं पेटीएम से जो हमारा टिकट कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, पेटीएम ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने मिल जाएगा। तो सिंपल आप यहां पे देख सकते हैं, एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है PNR स्टेटस। ऐसे यार सिर्फ टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो PNR स्टेटस पे क्लिक करना है। PNR पे क्लिक करने के बाद सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 डिजिट PNR नंबर। जब भी आप तत्काल टिकट बुक किए होंगे या फिर नॉर्मल टिकट भी बुक किए होंगे तो आप लोगों को एक PNR नंबर 10 डिजिट के दिया गया होगा। वो PNR नंबर यहाँ पे सिंपल टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपल आपको चेक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं हमारा PNR नंबर कि टिकट कंफर्म हुआ है या फिर नहीं है। यदि टिकट कंफर्म हो जाएंगे तो यहां पे कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। अगर कंफर्म नहीं हुआ होगा, जितने भी वेटिंग लिस्ट में भी होंगे तो वेटिंग लिस्ट में आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं टिकट जो है कन्फर्म नहीं हुआ है, तो क्योंकि मैंने इंटरनेट से ही टिकट बुक किया था तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो गया है। तो इस तरह से आप लोग पेटीएम से भी पता लगा सकते हैं कि हमारा टिकट कन्फर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।